नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेठी के मुंशीगंज थाने के बंदोइया गांव में कुछ दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान के पति और उसके सहयोगी को बुरी तरह पीटा है। उसके बाद ग्राम प्रधान के पति को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देख उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कल रात में 11:56 पर यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि कृष्ण कुमार के अहाते में प्रधान जो हमारे अर्जुन हैं, स्वर्गीय अर्जुन प्रधान के पति, उनकी वो घायल अवस्था में, जली हुई अवस्था में वहाँ पर हैं। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और उनको अस्पताल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ से वो सुल्तानपुर रेफ़र कर दिए गए। आज सवेरे यहाँ से उनको लखनऊ ले जाते समय जब रेफ़र किए जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है, वो 5 अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसको पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन करके बिल्कुल निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग की प्रेम कहानी काफी फेमस हो रही है। 70 के बुजुर्ग ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी 70 की प्रेमिका से शादी कर ली। शादी से पहले दोनों अपने अपने परिवार को संभालने की वजह से एक दूसरे से दूर थे। बुजुर्ग जोड़े की शादी परिवार के लोगों ने ही मिलकर करवाई है। सपना में पहली मुलाकात थी, बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। बीच में तुम्हें यहाँ था, रही भर गया था, साधु हो गए थे। तो वापस आया जो 50 के बाद फिर हमें इससे शादी करना पड़ा। तो वो उसके बच्चे थे, 5 थे, वो इंतजार यहाँ बैठी अपने कर रही थी। हम भी वहाँ थे, भजन भाव भजन में थे, भाव भजन में मग में थे, कोई याद नहीं। जब वहाँ से पूरा हो गया तो हम यहाँ की याद आई, हम चले आ गया। जब उधर पूरा हो गया, हमारा तप पूरा हो गई, जब उधर तो याद आ गया, एक मैं आ गया ऑफिस। तो उससे मैं ये समझा कि समाज मुझको गंदा समझ रही है, इसलिए मैंने उसके साथ शादी रचाया। अभी आपका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। जो भी बच्चे हैं उनको आपकी शादी से कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं, बहुत खुश है, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे है। बलिया में 3 पहले बीजेपी नेता के बेटे के जन्मदिन में हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग में फेमस भोजपुरी गायक घायल हो गया था। हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता भानु दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 188, 269 और 297 महामारी अधिनियम और 307, इसमें जो भी हमें वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं और जिन जिन लोगों ने इसमें अपने असलहों का प्रदर्शन किया है या फायर किया है, इन सबको चिन्हित करके इनके विरुद्ध नियमानुसार शस्त्र अधिनियम में और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी भी अमरोहा पहुंच गए। यहां कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है और उसे हर तरफ से अब सिर्फ हार ही मिलेगी। कल बिहार के अंदर चुनाव हुआ है, करीब करीब 71 सीटों का, जिसमें से बीजेपी को मुश्किल से 15 सीटें नहीं आ रही, बीजेपी बौखला गई है। यूपी के अंदर बाई इलेक्शन है, हमारा नौगावा नई बस्ती का भी ये इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जंगल राज है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जो केंद्रीय सरकार के आंकड़े हैं, 12 लड़कियों का बलात्कार औसतन हर रोज होता है, किडनैपिंग होता है। करीब करीब 1 के अंदर 60,000 केसेस हुए हैं जो महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ हुए हैं। कोरोना
महामारी के समय में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जान जोखिम में डालकर मरीजों की मदद की। बिना सैलरी मिले भी लोगों ने अपने काम को बखूबी निभाया, लेकिन अलीगढ़ में अब मेडिकल स्टाफ को 4 महीने बाद भी सैलरी नहीं मिली है। जैन मेडिकल कॉलेज में करीब 152 पैरामेडिकल स्टाफ ने हंगामा करते हुए सैलरी की मांग की। अब तक 4 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। हम अपने हक के लिए खड़े हैं। क्या है हक हमारा, क्या परेशानी है? हमारे जब भी हम शुरू से लगे हैं तब से हमारी टाइम पर सैलरी नहीं आती, हमें समय पर सैलरी चाहिए और ये हमारा जितना पैसा मिल रहा था हमें उतना ही चाहिए, हम इतने पर ही काम करेंगे। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेंगे, उससे कम पर नहीं करेंगे हम। सहारनपुर में इंटरग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना कर दी गई है। इलाके में क्राइम पर रोक लगाने के लिए इस कंट्रोल सिस्टम को शुरू किया गया है। वहीं सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण के काम में आरोप लग रहे हैं। कहा गया कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कमांड कंट्रोल सिस्टम के बारे में कमिश्नर संजय कुमार ने जानकारी दी। इसका जो समय दिया गया है हमें वो 12 महीने का समय है, लेकिन काफ़ी सारे नगर प्रमुख जितने हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, बट 12 महीने के हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। हम जहां भी देखेंगे कि अगर इसमें कुछ कटौती हो सकती है और चीज़ें जल्दी लॉन्च हो सकती है, हम वो उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। आज सहारनपुर शहर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आज एक वर्ष के बड़े ही निरंतर प्रयास के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना का जो टेंडर फाइनल किया उसका आज औपचारिक उसकी शुरुआत की है। NEC लिमिटेड जापान की जो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है उसको ये टेंडर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि अगले 12 माह में इनका कार्य जो है पूर्ण होने का जो दायित्व है वो 12 माह में नहीं बल्कि 8 से 10 माह में ही हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पे करीब जो 1000 कैमरे लगाए जाने हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्राइम कंट्रोल में जिससे मदद मिलेगी, 200 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, सारी जो टैक्स और तमाम तरह की जो मॉनिटरिंग है हाउस टैक्स वाटर टैक्स उन सब की समीक्षा एक स्थल पे एक छत के नीचे होगी। यहाँ पे नगर निगम के पुलिस के ट्रैफिक के डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की टीम सब लोग इस एक हॉल में बैठ करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग की एक एक कूड़ा घर एक एक नाले की सफाई हमारे बड़े कार्यक्रम या आयोजन होंगे उनको भी हम डायरेक्ट यहां से मॉनिटर कर सकते हैं। देवरिया में चुनावी जनसभा के दौरान सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इसके बाद जब सपा के प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रही है। आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन मशीन को बदल सकती है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अवगत कराया गया कि हनुमान मंदिर चौराहे पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हनुमान मंदिर चौराहे पर भाजपा के सभा आयोजक श्री मनी सहाय द्वारा नुक्कड़ सभा की अनुमति ली गई थी। वहीं सपा के चुनाव अभिकर्ता श्री बलवंत सिंह द्वारा हनुमान मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र में नगर संपर्क हेतु अनुमति की मांग की गई थी वली की गई थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार की जनसभा करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जांच में पाया गया कि सपा द्वारा अपने कार्यक्रम में 3 बड़े साउंड बॉक्स तथा 2 बड़े एवं 2 छोटे लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे नियम विरुद्ध पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्रों को जब्त करते हुए प्रचार वाहन को छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री जी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। जिला प्रशासन ECI द्वारा समय समय पर दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। शातिर चोरों ने इलाके में एक साथ 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। चोरी की वारदात घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को चोरी की जानकारी दे दी गई है। जी मैं जैसे यहाँ सुबह 7 बजे आया जी, मैंने देखा मतलब पिछली तरफ से ताले तूले तोड़ गए दुकान में चोरी करी जी। 16-17 हज़ार रुपये तो गले में थे जी, जो सेल थी मतलब कल की,
और जी भाई ने पैसे दिए थे, और जो सामान मतलब जैसे जैकेट हुई, जर्किन, ये ले गए जी, जींस। तो रात्रि पुलिस गश्त करती है जी? रात्रि पुलिस ने गश्त किया है नहीं ये मालूम नहीं है जी। वहीं सहारनपुर के आईटीसी रोड पर दो बख्शों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के समय दोनों तरफ से कई चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। मारपीट के समय वहां पर मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।